जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आप लोग से बातें करने वाला हूं कि जब कोई व्यक्ति सोता है और सोने के दौरान जब उसके हथेलियां उसकी हाथ उसके छाती पर होता है सोने के दौरान, तो वह बहुत ही बुरे बुरे डरावने सपने देखने लगता है। तो आखिर क्या वजह है कि जब कोई व्यक्ति सोता है और सोने के दौरान जब उसकी हथेली उसकी हाथ उसके छाती पर चली जाती है तो वह डरावना सपना देखने लगता है, या कई बार ऐसा होता है कि आप अनजान जगहों का सफर पर निकल जाते हैं सपने में ख्वाब में, कई बार ऐसा होता है कि आप हवाओं में उड़ने लगते हैं परिंदों की तरह हवाई जहाजों की तरह। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है? तो मेरे डियर सबसे पहली बात तो यह है कि आप जब डीप निद्रा में होते हैं गहन स्लीप में होते हैं तो उस दौरान जब आपके हाथ आपके छाती पर चला जाता है तो छाती पर जाने के बाद आपके हृदय पर उसका दबाव पड़ता, तो हृदय के आधे भाग में जब दबाव पड़ता है तो उस दौरान वहां से ब्लड का सर्कुलेशन तेजी से होता है और ब्रेन की ओर जाता है। तो होता क्या है कि जो भाग ब्रेन की तरफ ब्लड जाता है तो वह अनकॉन्शियस स्थिति में चला आता है और आधा ब्रेन का पार्ट जो होता है वह कॉन्शियस होने लगता है। तो उस कंडीशन में हम देखते क्या है कि हमारा आधा जो ब्रेन है, आप ब्रेन देख रहे हैं कि इसका आधा हिस्सा जो है वह अर्ध जागृत अवस्था में हो जाता है और आधा ब्रेन जो है वह पूरी तरह से रेस्ट में होता। तो उस दौरान आपके ब्रेन में एक अलग तरह की फीलिंग्स आने लगती है और जिसकी वजह से आपका ब्रेन आधा कुछ काम करता है और कुछ रेस्ट में होता है, जिसकी वजह से आप अजीब अजीब से ख्वाब देखने लगते हैं और अंदर से आप भय महसूस करने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है, कई लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बातें नहीं होती है, डरावने ख्वाब कभी भी आ सकते हैं, लेकिन मैंने भी जो फीलिंग्स की है या आपने भी ऐसा फील किया होगा कि जब आपका हाथ छाती पर जाता है तो आपके डरावने सपने आपके निगाहों में दौड़ने लगती है। तो इसके पीछे वजह यही है कि आपका जो ब्रेन है वह वैज्ञानिक साइंटिफिक जो कारण है कि ब्रेन का आधा भाग वह रेस्ट में होता है और आधा भाग जो है पूरी तरह से रेस्ट में न होने के कारण दोनों में एडजस्टमेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से अनबैलेंस होने की स्थिति में इस तरह से आपके सपने रातों में आते हैं या जब भी आप सोते हैं तो इस तरह की स्थितियां पैदा होती है। लेकिन जैसे ही आपकी नींद टूटती है और आप देखते हैं कि आपका हाथ जो है कि छाती पर है, हाथ हटा लेते हैं तो फिर एज इट इज आप हो जाते हैं। तो माय डियर जब भी आपको अगर सोना हो, डरावने सपनों से बचने हो, तो कभी भी छाती पर हाथ रख के न सोए, बल्कि जो है कि हाथ को ऐसे फैला के सोए ताकि आपको उस तरह के बुरे सपने न आए। तो इसका साइंटिफिक कारण यही है क्योंकि हमारा जो ब्रेन का आधा हिस्सा होता है वह रेस्ट में होता है और आधा हिस्सा जो होता है वह पूरी तरह से रेस्ट में नहीं जाता है, जिसकी वजह से उसमें समय स्थिति कायम नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से आपके डरावने सपने आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके मन में कुछ बातें चल रही हैं लेकिन आपको उसका निदान नहीं मिल पाता है, तो ब्रेन में हमेशा इस तरह की एक थिंकिंग होती रहती है। चूंकि हम जानते हैं कि ब्रेन का जो सीपीयू होता है, हमारा जो सेरेब्रम होता है, लगातार उसको सर्च करते रहता है, क्योंकि हमारा ब्रेन का जो सीपीयू होता है, सेरेब्रम होता है, वो सर्च इंजन होता है, तो लगातार उन सारी चीजों को, उस प्रश्नों का वह हल खोजते रहता है। और जब हम सोते भी हैं तो ब्रेन का वह पार्ट जो है कि वह सर्च मशीन जो होता है, सर्चिंग मशीन की तरह वो एक्टिव रहता है, काम करते रहता है, जिसकी वजह से वो सर्च करने के दौरान उसके मन में जिस तरह के स्टेप्स आते हैं वैसे वैसी प्रतिक्रियाएं होती है, जिसकी वजह से हम लोग को अजीब अजीब से सपने आते हैं। तो उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।